अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जैन और आप लोग देख रहे हैं मिडिल क्लास। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मेरा है एक जगह पे इंटरव्यू, तो वहाँ से मुझे रिसेंटली, मैंने काफ़ी टाइम से अप्लाई किया हुआ था बट मुझे कोई कॉल नहीं आई थी। तो रिसेंटली मुझे वहाँ से कॉल आई है कि सर आज आपका इंटरव्यू है, तो काइंडली बी ऑन टाइम, डोंट बी लेट। तो आज जो है वहाँ जाना, मैंने इंटरव्यू देने अपने, दुआ कीजिएगा कि मेरी वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। और एक और मेरे से ना मिस्टेक हो गई थी उस दिन, मैंने हेलमेट नहीं रखा हुआ था और मैं माल रोड पर खड़ा हुआ था, और आपको पता है माल रोड हो और हेलमेट ना हो तो चलान तो लाजमी होता है, तो वहाँ पर हो गया था मेरा चलान। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो आज सबसे पहले जाएंगे अपना चालान छुड़वाने, और उसके बाद जो है जहाँ पर जॉब देने जाना है वहाँ पे आईडी कार्ड तो मस्ट होता है, तो इसलिए वहाँ से लेंगे अपना आईडी कार्ड, चालान छुड़वाएंगे एंड देन हम जाएंगे जॉब। जी गाइस, तो फाइनली रेडी हो गए हैं, तो अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे चालान छुड़वाने और उसके बाद जो है फिर अपना जाएंगे इंटरव्यू देने। आपको मिलते हैं रास्ते में, स्टे ट्यून्ड। जी गाइस, तो फाइनली जो है हमने चालान छुड़वा लिया है, आईडी कार्ड जो है हमें मिल गया। तो मेरा जो चालान था वो हुआ था माल रोड पे, मतलब नहर वाली साइड पे, डेविस रोड जिसे कहते हैं। तो आप में से अगर किसी का भी इस साइड पर चालान हो और आपने कहीं बाद में सबमिट करवाना हो, तो इधर से थोड़ा सा नीचे आएंगे, मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ट्रैफिक सेक्टर मॉल वन है, और ये देखें ये है नहर वाली साइड। तो यहाँ पर आ जाइएगा, आपका यहाँ पर चालान जो है वो सबमिट हो जाएगा। मुझे भी काफ़ी दिक्कत हुई है ढूंढने में, काफ़ी परेशानी हुई, बट जो है मुझे मिल गया, क्योंकि काफ़ी मतलब एक हिसाब की खूब, अरे कहना क्या चाहते हो, यह जगह जहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। तो खैर बार अल्लाह का शुक्र है कि चालान जो है वो छुड़वा लिया, आईडी कार्ड मिल गया। अब यहाँ से जाएंगे सीधा ऑफिस, वहाँ जाके देंगे इंटरव्यू, और इंशाल्लाह जो अल्लाह बेहतर जानता है, अगर सिलेक्शन होगी होगी, नहीं होगी तो कोई भी इशू नहीं है। बाकी आपको इंशाल्लाह मिलते हैं ऑफिस में। जी गाइस, तो फाइनली आज मेरा जो है वो लास्ट डे है ऑफिस में। तो मैं अपने कोलीग्स जो हैं उनके जज्बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे एक साल गुजारा है, मोर देन वन ईयर मुझे यहाँ पे हो गया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैंने इनके साथ जो जो इस साल में जो मैंने ब्लंडर किए और जो मैंने अच्छा और बुरा किया, वो सारा इनके सामने है। तो आइए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं बशारत से। अभी सर बशारत, आवर ग्रेट लीड, बताइए एक साल में मेरे साथ आपको यहाँ पे कैसे गुजरा? अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक्सपीरियंस के हवाले से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक साल पहले की बात है जब ये मेरे पास न्यू एजेंट आया था, तो मैंने इसे ट्रेनिंग करवाई थी और मज़ा नहीं आ रहा है। और इसके बाद एक साल, वाह क्या सीन है, के बाद लास्ट मोमेंट है, तो बड़ा अफसोस सा हो रहा है, बड़ा अजीब सा ऑकवर्ड सा मोमेंट है, क्यों, बिकॉज मैं नहीं चाह रहा कि ये छोड़ के जाए, बट इसकी मजबूरी है, मजबूरी की वजह से। भाई आप लोग भी जानते हो, ऑब्वियसली जब एक साल बंदे ने साथ गुजारा होता है तो काफ़ी हार्ड टाइम होता है, इट्स अ हार्ड टू से गुड बाय सम टाइम। तो आइए एक और हमारे यहाँ पे दोस्त हैं बहुत ही अच्छे, जिनसे अभी हमारा इंटरेक्शन शुरू हुआ था बहुत अच्छे से, तो बट ये बहुत जल्दी इनके साथ जो है वो दूरी करना पड़गी। तो मिलते हैं, ये है हमारे, इनको हम कहते हैं मियाँ जी। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। मियाँ जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मियाँ जी आपका और मेरा जो वक्त यहाँ पे गुजरा, आपको कैसा लगा? मियाँ बहुत अच्छा लगा, और कल को तो सुन के मुझे बहुत दुख लगा, बाकी इंशाल्लाह ये सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है, इंशाल्लाह करना पड़ता है, बाकी इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच मियाँ जी, थैंक यू।
मज़ा आया। और यहाँ पे एक और है, ये शहरी आ रहे हैं, शहरी शहरी रहे ज़रा शहरी, ये मेरे से पहले जा चुके थे ये तकरीबन इनको 2 माह पहले चले गए थे, ये वैसे हमसे मिलने आए हुए हैं आज। तो बताइए आपका मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, 1 साल मैंने यहाँ पे काम किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे, लेकिन अब क्या करें हालात ऐसे हुए कि इनको भी जाना पड़ा, मुझे भी जाना, बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो। और फाइनली जिनका इंतज़ार था वो भी आ चुकी हैं, ये हैं हमारा अमजद, ओबियसली मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग में इनसे मिलवाया था, तो इनका मेरा काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है यहाँ पे और इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद अच्छा गुजरेगा। तो हमारा अमजद बताइए आपका यहाँ मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, हमने यहाँ पे आलमोस्ट 6 to 7 months जो हैं वो स्पेंड किए थे, तो मुझे बताइए। 6.5 hours later. बताइए। Experience था शुरू में मुझे तुम इतने ठरकी लगते थे मुझे इसका सामने, लेकिन हो वो ऐसे तुम अभी भी, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छे लड़के थे, अच्छी तरीके से हम तुम्हें याद रखेंगे, हमारे जो मुसीबत में तुम हमेशा काम आते थे, तुम हमारे दिलों में बस होगी। तो मस्त प्लान है, जिंदगी हो तो ऐसी हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एडे वन शो के ऑन द लॉर्ड नहीं लगता है भाई आप लोग भी जानते हो। ये तो आपने जूस मार दिया एंड पे आके। बाकी गाइस अब जो है बशारत हमें कह रहा है कि बोतल पिलाता हूँ मैं, तो अब बोतल पीते हैं चल के, तो बशारत आ जाए फिर हमें बोतल पिला दे। बात नहीं है, जाते हुए मेहमान आप हमारे मेहमान, खत्म बाय बाय, ऐसे नहीं जाने देंगे, जान सब बोतल पिला के जानी है ऐसे क्या यार, आज हम बोतल चतल पीते हैं और आप ये बशारत, तो अब आप यहाँ पे बोतल पिलाने आए हैं तो आप बोतल निकालें फिर। नहीं यार मुझे डर लगता है ऐसे काम करते हैं, आप निकालें बोतल निकालें। थैंक यू सो मच सर बशारत, मज़ा आया। मेरी ना है मैंने ये आप लोगों ने आप लेते जी जी मैं लूँगा क्यों नहीं लूँगा। थैंक यू सो मच यार, ये तो आप सबकी मोहब्बत है, उसकी भी यही कहती है, वो भी यही कहती होती थी जान तुम्हारी मोहब्बत जो था। टू बी ऑनेस्ट बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यू आर वन ऑफ माई मोस्ट मोस्ट प्रीशियस पर्सन फ्रॉम मी। जी गाइस सो फाइनली हमने जो है वो बोतल वगैरह पी ली थी, सर बशारत ने हमें बोतल पिला दी थी, रिक्वेस्ट की थी उनसे बट उन्होंने पिला दी फिर भी। तो अब मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे जिन्होंने यहाँ पर B2B में हमें सिखाया, हमें लर्निंग सिखाई, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो सब कुछ जो है वो एक ही शख्स ने हमारा जो है वो बिल्ड किया और उसका नाम था सर रजा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। तो आई अभी मजा आएगा ना। रजा बताइए मेरा और आपका जो यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है, मैं एज अ एजेंट और आप एज अ TL, तो कैसा रहा है गानी थोड़ा बहुत बताइएगा। एज अ TL तो ये आप ही बता सकते हैं कि मैं कैसा था, लेकिन एज अ एजेंट आप जो थे वो बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच, हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा साथ, बेहतरीन टाइम गुजारा है, और ऐसा टाइम है कि हम एक अच्छे वक्त तक इकट्ठे चल सकते हैं बिल्कुल। और जब भी कोई जर्नी ख़त्म होती है तो वो एक नया जर्नी स्टार्ट होता है, तो मैं आपके लिए यही दुआ करूंगा कि आप जो हैं वो मज़ीद अपनी ज़िंदगी में फलें फूलें, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियां दें। और मैं आपको ये सजेस्ट दूंगा कि यू आर डूइंग अ वेरी वेल जॉब ऑन व्लॉगिंग, सो इसको कंटिन्यू रखें, कोई अच्छी सी गिम्बल लें, क्योंकि ऐसे हाथ से पकड़ पकड़ के आप थक जाएंगे, आपके हाथ वैसे भी कमज़ोर हैं। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो। और एज अ TL मैं आपको बता देता हूँ, रजा भाई एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, इन्होंने हमें हर जगह सपोर्ट किया है, हमारे हर ओबियसली जॉब में इंसान ब्लंडर वगैरह करता है, तो इन्होंने हमें हर जगह सपोर्ट किया, हमारी हर ब्लंडर को रिकवर किया, इन्होंने कवर किया हर साइड से, तो एज अ TL बहुत अच्छा रहा इनके साथ हमारा एक्सपीरियंस। मैं चीज़ ये ऐड ऑन करूँगा कि जैसे ये कह रहा है मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, ऑन अ वेरी सीरियस नहीं, रजा भाई बहुत अच्छे इंसान है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन एज एन एजेंट और एज अ टीम वर्कर जैन वॉज अ वेरी ग्रेट एजेंट, बहुत सपोर्ट थी जैन, और बहुत ऐसी जगहों पे जैन ने सपोर्ट किया टीम को, ओवरऑल टीम को, मुझे नहीं ओवरऑल टीम को ऐसी जगह पे सपोर्ट किया जहाँ पे जैन बीमार था। थैंक यू सो मच, और ऐसी जगहों पे लोग नहीं, मैक्सिमम लोगों को ऑब्वियसली कोई बीमार हो तो वो शिफ्ट पे नहीं आता, लेकिन हमने ये चीज़ देखी कि जैन को जब भी फ़ोन किया और जैन को जो भी समझाया, जैन समझाया, बस आखिर में थोड़ी सी
चीज़ें गलत साइड पे चली गई, लेकिन फिर मैं यही बोलूँगा कि कोई भी जो एंड होता है वो एक नई जर्नी स्टार्ट करने का होता है। तो आई विश जैन अ वेरी गुड लक, और मैं चाहता हूँ कि जैन मजीद कामयाब। थैंक यू सो मच। तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पर ख़त्म, और जैसा कि मेरा यहाँ पे लास्ट डे था आज, तो लास्ट मोमेंट में सबको ऐड कर लेता हूँ। ये देखें, ये सब थे जिनके साथ मेरा यहाँ पे साल गुजरा, मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और बशारत के साथ तो एक बहुत ही, मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा, और कल इसने इस बात का सबूत जो है वो दे दिया था। तो आज के व्लॉग करते हैं यहाँ पर ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।